शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में वर्षों से मनाए जा रहे दुर्गा उत्सव पर बंगाल की महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर और प्रसाद खिलाकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की और देश प्रदेश की सुख शांति का मां से आशीर्वाद लिया। उत्सव के समापन पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद माता को विसर्जन के लिए विदा कर दिया गया। इस मौके पर बंगाली महिलाओं ने माता का श्रृंगार किया और परिवार के सुख शांति का आशीर्वाद मांगा। बंगाली महिलाओं का कहना है कि नवरात्र के मौके पर 9 दिन मायके में रहने के बाद आज माता को ससुराल से विदाई दी जाती है, इसलिए आज के दिन नाच गाकर और सिंदूर की होली खेलकर माता को विदाई दी गई है। माता की विदाई एक तरफ तो खुशी की बात है कि वो अपने पति के घर कैलाश जा रही हैं, दूसरी हम माता को इस वक्त बेटी के रूप में देखते हैं, तो जैसे बेटी घर से विदा होती है मन भर जाता है, वैसे ही हाल हमारा भी है, तो उस तरीके से खुशी भी है और एक तरफ फिर दोबारा आने की आशा से कि फिर आएंगी, हम उनको आज विदा कर रहे हैं, तो कहीं कहीं मन भारी भी है, तो इसी तरह से हम मनाते हैं। ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ पर्व है, हम लोग जो ये तो यहाँ पर पूजा तो 200 साल से हो रही है, पर बहुत आदि काल से जब से हमारे पूर्वज रहे होंगे तो कर रहे हैं, और ये माता को मानते हैं पर दुर्गा पर्व को सबसे बड़ा करके सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद काली माता का आएगा, फिर सरस्वती लक्ष्मी का आएगा, फिर सरस्वती। दुर्गा पूजा हम मनाते हैं विजयदशमी वाला दिन, आज लास्ट दिन है हमारा, माँ का विसर्जन करेंगे हम और माँ को हम विसर्जन करने के लिए जाएंगे, माँ को सिंदूर लगाएंगे, फिर हम सारी महिलाएं जितनी भी है सिंदूर से होली खेलेंगे, फिर माँ का विसर्जन करेंगे। हाँ जी हाँ जी, हम षष्ठी से हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, 4 दिन हमारा पूरा यहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पे सारी लेडीज अभी माँ को वरन करके अब सिंदूर की होली खेल रही हैं, उनको आरती करेंगी, पूजा करेंगी, फिर दुर्गा माँ को ले जाया जाएगा विसर्जन के लिए। अपनी मन्नतें मांगते हैं, जो उनकी अधूरी इच्छाएं होती हैं वो माँ से मांगते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जो दूर दूर जो लड़कियां बाहर गई होती हैं वो अपने माँ से मिलती हैं, जो बहुएं होती हैं वो दुर्गा माँ का वरन करती हैं, सुहागनें सिंदूर खेलती हैं और कुंवारी लड़कियों को हम सिंदूर लगाते हैं कि उनकी जल्दी शादी हो जाए।